यूपी की मैम आपको उम्मीदवार बनाया गया है, सीएम चेहरा बनाया गया, किस तरीके से खुशी है? वेल, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है, इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ कि इतना विश्वास हाईकमांड ने मेरे पर रखा। अब इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मैं इसके काबिल निकलूँ। तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से और ACB ने आज आपको नोटिस भी दिया है 25 अगस्त के लिए आने के लिए, तो क्या समझते हैं ये एक पॉलिटिकल है जिसमें आपको यूपी में आपको निश्चित निशान? बिल्कुल पॉलिटिकल है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की जो डिसीजंस होते हैं वो सब एक्सपर्ट्स और सब लोग लेते हैं, कोई एक नहीं रहता है। इसलिए चुना जा रहा क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकली मुझे बदनाम करना। प्रियंका गांधी जी की भी आने का नाम है कि वो प्रचार करने के लिए आएंगी, आप क्या समझते हैं उनसे आपकी ताकत बढ़ेगी? और नहीं नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो बहुत पॉपुलर कांग्रेसमैन में भी हैं, कांग्रेसमैन में एक ऊर्जा और आएगी और लोगों में भी पसंद करते हैं, तो उनके आने से तो बहुत अच्छा। मैम, समाजवादी पार्टी और BSP और BJP में किसको आप सबसे खतरनाक विद्रोही? सभी खतरनाक हैं देखिए, क्योंकि चुनाव में छोटी से छोटी पार्टी और बड़ी से बड़ी पार्टी, सरकार हो या ना हो, सब हमारे विरोधी होते हैं और सब इक्वली इम्पोर्टेंट। आखिरी सवाल मैम, क्या आपका सबसे पहला कदम होगा जो आप करेंगे? अभी मैं नहीं बता सकती, जब तक मीटिंग नहीं हो सकती, कलेक्टिवली कदम लेंगे। हर चुनौती एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती है। चुनौती वाक्य में वो आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली से कहीं बड़ा ज़्यादा प्रांत, बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत कर आएंगे।